गाइस ये अंदर का पार्ट है, यहाँ पे सब हमारी मूर्तियाँ चैनल। और आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। सो यहाँ से मुझे वसई स्टेशन उतरा, मैं वसई स्टेशन में वेस्ट में आके, वेस्ट ही है अंकल, तो वेस्ट में आके यहाँ पे मैंने रिक्शा पकड़ा। तो रिक्शा का मैं सुना है बस वेस्ट में जाते नहीं उधर, और जाते ही तो चुन्ना रोड है समथिंग, कुछ नाम है चुन्ना रोड ही नाम है ना, चुन्ना रोड नाम है रिक्शा का। अभी यहाँ पे आपको बताया था आपने मुझे 70 रुपीज़ 60 70 रुपीज़ ओवर रेंज का पूछ जाएगा आपका, जो भी आपका रेट है। और बस तो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे लगता है आपको रिक्शा ही मिलेगी। और अगर आपको मालूम होगा तो मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पे बस है क्या नहीं, ठीक है। तो अभी तो आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा हो गया यार अपने गढ़वाल समाज के लिए, जो गढ़वाल और नॉन गढ़वाली कोई भी है उसको बद्रीनाथ जाना पसंद है, वो उत्तराखंड जा सकता। तो अभी यहाँ पे उत्तराखंड वाले इधर ही बना दिए अपना वसई स्टेशन में, तो आओ दर्शन करने और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ। जिनको जाना है हाँ। वो यहाँ पर कैसे लेके जाएगा? वो तो नहीं जाएगा बराबर। यही है हाँ, अभी 40 मीटर यही हो गया, अभी आगे जाते जाते रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के अंकल मंदिर है ही नहीं इधर। तो गाइस फाइनली एक जगह उतर गया हूँ, बहुत सारा भटकम भुटकी में काम हो गया अपने। मतलब बद्रीनाथ किधर होगा टेम्पल? बद्रीनाथ मंदिर मालूम नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। चलते चलते जाएंगे, देखते। सोचा था कि व्लॉग इतना शॉर्ट रखो उतना अच्छा है, लेकिन अभी क्या करें यार, इतना लंबा आ गया अपन। तो सर सनसिटी रोड किधर है? आ गया ना, ठीक। तो सनसिटी रोड आ गया है, और जहाँ पे अपना एड्रेस है वहाँ पे मुझे मालूम नहीं, काम करता हूँ मैं, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। पहले लोकेशन में देखता हूँ प्रॉपर, पहुँच जाने के बाद ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। चलो बारिश भी आ रही है, ठीक है, लेकिन सनसिटी बोलने का ना, सनसिटी में, ठीक है ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, और कैसे गिरते पड़ते समझ जाओ, मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे एक भाई छोड़ के गए, उनका नाम किरण है, तो थैंक यू किरण भाई अगर ब्लॉग देख रहे हो तो भाई अब मैं आता हूँ यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ लोकेशन किधर है। सन सिटी बोलना स्टेशन से आके मैं घुमाऊँ, आप मत भटको, ठीक है। तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ ज़रा। तो यहाँ से स्टेशन से आपको रिक्शा लेके आएगी, एंड यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, और यहाँ से अपन को अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ जगह है, अपन को अंदर जाना है। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, यहाँ पे मैंने बिल्डिंग दिख रहा है ऐसे कुछ, और ये लिखा है बाहर बद्रीनाथ। लेट्स सी, पूछता हूँ किसी को, कितने लोग बोलते यार बच गए यहाँ पे। तो ये अपना गेट है बद्रीनाथ टेंपल का, और अंदर पुश करके जाना है। उत्तरांचल मित्र मंडल वसई आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ऐसे कुछ सीढ़ियाँ हैं, फोटोज लगे, पहले अपन नीचे जाते हैं, नीचे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोटोज लगी है, आपको दिखा दो पूरा जैसा नजारा है। आई थिंक ये अभी भी बन रहा है, और फ्यूचर में ऐसा दिखेगा कुछ। लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन मेन है। उत्तरांचल बद्रीनाथ को बनाने में इन सभी ने अपना योगदान दिया है, और यहाँ पे खड़े रहे हैं। तो लेट्स सी, इनको दिखाना है बहुत जरूरी, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो मैंने एक्चुअली कुछ एक्सपेक्ट किया था कि कुछ मंदिर टाइप ही होगा,
लेकिन स्टिल कोई नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अभी ऊपर चलते हैं अपन। ओहो तो ऊपर है, चल रहा है, काम चालू है। और यहाँ पर देखो भगवान श्री राम दरबार, ऐसा कुछ व्यू है। तो वहाँ से निकल के दूसरे साइड आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे यहाँ के जो हेड जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि ब्लॉग शूट करो, तो अपन मज़े में करेंगे। हाँ सो गाइस ये इतना ही था, अभी नीचे चलते हैं। नीचे आपको जो ओनर है यहाँ के, जो मतलब जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे मैं मिलाता हूँ, उनसे बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, अपने राय और इसको कितना टाइम लगेगा वो सब बताएंगे, कितना इसका बजट है बनने का। तो लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है? चलो ऐसा बोलने का, बोलो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? हैप्पी क्या दब, वो दब गया है पूरा। तो ये हैप्पी है, इसको देख के हम भी हैप्पी हो गए। क्या स्माइल है। तो गाइस ये अंदर का पार्ट है, यहाँ पे सब हमारी मूर्तियाँ, यहाँ पे आप सब भगवान इधर है हमारे। ये अपना दान पेटी, दान पात्र, जिसमें आप अपना दान दे सकते हो उत्तरांचल के मंदिर बनाने के लिए। अब आपको सुनाते हैं आगे कैसा क्या है कहानी। बोलिए आपका नाम। मेरा नाम महेश नैलवाल है, मैं उत्तरांचल मित्र मंडल जो संस्था बद्रीनाथ मंदिर बना रही है का महासचिव हूँ। हमारी कमेटी है जिसके पूरा ये सब कार्य कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष हैं श्री माधवानंद भट्ट जी, जो बिल्डर हैं, पूरे बॉम्बे में प्रख्यात हैं। हमने ये 1988 में संस्था स्थापित हो गई थी, फिर उसके बाद होते होते हम सब पूरा उत्तराखंडी लोग जितने भी हैं सब पूरा आपस में मिलते थे, अलग अलग जगह से पूरा कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर कार्यक्रम सब पूरा, छोटे बच्चों को सम्मानित करना, सबका उत्साह बढ़ाना, मेडिकल कैंप वगैरह इस ढंग से हम करते रहते थे। तो ये सब करते करते फिर बाद में कुछ लोगों के मन में ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना हम उत्तराखंड की जो धरोहर है, उत्तराखंड मतलब बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, तो क्यों ना उनकी स्थापना हम यहाँ ही करते हैं। तो वो मन में विचार आया, इसके लिए सब लोगों ने हामी भरी। तो हमने इधर एक छोटी सी जगह ले ली। जगह लेने के बाद फिर मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अच्छा। वो टाइम से धीमे धीमे बहुत से धीमे धीमे सब लोग जुड़ते गए। करेक्ट। और 2010 में हमें ये जमीन हमारे पजेशन में मिली। 2015 में इसका शिलान्यास हुआ। 2015 से शिलान्यास के बाद से ये काम शुरू हो रहा है। शिलान्यास ये वो टाइम के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और निसंग जी पोखरियाल जी, उनके हाथों से हुआ है। बहुत भव्य नजारा था वो टाइम पर, बहुत से लोगों ने विटनेस किया ये उसको। बहुत से साधु संन्यासी लोग आए थे। और तो अभी मतलब इसमें मंदिर और मानव कल्याण केंद्र, ये ट्विन प्रोजेक्ट है। फ्रंट साइड में भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर बनेगा, जैसा बद्रीनाथ धाम में है, मोर और लेस वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसमें हो सकता है 90%, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति अलग है, लेकिन प्रयास यही है कि मैक्सिमम जितना उसकी रूपरेखा में बना पाए। और वहाँ पे जो धार्मिक विधियाँ होती हैं, जिस ढंग से पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, वही यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वीवीआईपीज हैं, मतलब नौकरी पेशे वाले हैं, छोटे बड़े सब हैं। हमारा सबसे यही अनुरोध रहता है कि आप इस संस्था को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ये हम जल्द से जल्द उत्तराखंड की शान बराबर बद्रीनाथ धाम उसका प्रारूप यहाँ पे बना सकते हैं। करेक्ट। और हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, पीछे के साइड में ग्राउंड प्लस फोर स्टोरी बिल्डिंग है, वो मानव कल्याण केंद्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मानव कल्याण केंद्र बोला तो सबके काम आने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसका कुछ भी भेदभाव नहीं है। और हम ये सब पूरा मेडिकल कैंप, धार्मिक अनुष्ठान सब पूरा अलग अलग काम करते रहते हैं। इसमें जो मानव कल्याण केंद्र है उसमें फर्स्ट फ्लोर में शादी ब्याह के लिए
आयोजित किया है, मतलब रखा है, आइडेंटिफाई किया है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हमारे गवर्नर साहब जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने मतलब उसमें सहयोग करने का वादा भी किया है। और उसके बाद मेडिकल यूनिट है जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सब इस ढंग के मतलब कार्य होंगे। फोर्थ फ्लोर में धर्मशाला करके है, हमने बहुत से रूम बना रहे हैं, वीवीआईपी रूम भी रहेंगे, डॉर्मेट्री भी रहेंगे, कोई भी कब मतलब हमारे उत्तरांचली या नॉन उत्तरांचली भी किसी को कुछ जरूरत होगी तो उसको वहाँ पे वो दिया जाएगा। ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको बोल सकते हैं ये मानव कल्याण केंद्र के रूप में ही डेवलप कर रहे हैं और समाज के काम ही आने वाली है। और फ्रंट में जो अभी ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका हमने कॉस्ट अभी एस्टिमेट किया है 18 करोड़ के लगभग होगी। 18 करोड़ अभी ये जो 18 करोड़ का है उसमें से हम लगभग 8 करोड़ के लगभग कार्य कर चुके हैं, प्लस खर्चा कर चुके हैं, बाकी 10 करोड़ अभी हमें जरूर वो समाज से लेना, समाज से आना है। तो हम बहुत से मतलब हमारी यही अपील है, एक एक ईट करके भी जितने भी लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं करेक्ट, बहुत उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत। क्योंकि ये हमने आज तक देखो सिद्धिविनायक मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, सब बने हुए ही देखे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि जब हमें भगवान ने ये हमें मौका दिया है कि जब हम अपने हाथों से मंदिर बनाने का कार्य, और इसमें ये इसमें पैसा सबका लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पैसा लगा है। और बॉम्बे से ही और बॉम्बे से बाहर से भी बहुत से लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो ये सौभाग्य उत्तराखंडियों को प्राप्त हुआ है कि हम भविष्य में ऐसा बढ़ेंगे कि उत्तराखंडियों ने ये कुछ करके दिखाया। बद्रीनाथ धाम है, उनकी महिमा अलग है, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बद्रीनाथ धाम के बाद ये जो बॉम्बे में मंदिर बन रहा है सबसे एक नंबर का मंदिर बन रहा है, एक नंबर का मंदिर। यस, क्योंकि वो धाम है, उनसे कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन ये जो बन रहा है इसके बराबर अभी कहीं दूसरी जगह बना नहीं है और बन भी नहीं रहा अभी फॉर द टाइम। पूरे भविष्य में क्या होगा, पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में ना, पूरे इंडिया में भी किधर है इतना बड़ा, बराबर किसी में। तो हम यही प्रयास है कि उत्तराखंड के लोग हमसे इससे जुड़े, उत्तराखंड ही नहीं पूरे सभी लोग जुड़े जो हमारे कार्यकलापों को देख रहे हैं, जो हमारे हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के सब समाज के लिए ये मानव कल्याण केंद्र बन रहा है और जो मंदिर बन रहा है उसमें सभी लोगों का सहयोग हो। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक एक ईट सभी कंट्रीब्यूट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं? और कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बना दिया। और इसमें सभी का सहयोग होगा तो आपको हमेशा गर्व से महसूस करेंगे कि ये मंदिर मेरे पैसों से भी बना है। सबकी भावना, सबको भावना से जोड़ना है। करेक्ट, ठीक है। पैसा कितना देगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप संस्था से जुड़े, संस्था से जुड़े, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइस, सुन लिया आपने, ये सब बातें थी इनकी। इनका नाम है महेश और मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी इधर क्यों आया, क्योंकि देखो उत्तराखंड से जुड़े हुए हम लोग बातें करते हैं, हम स्टेटस डालते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं कि उत्तराखंड, लेकिन जब मौका आता है तब पीछे क्यों हटे। सो मैंने बोला कि हमें बद्रीनाथ यहाँ पे जो खुल रहा है इसको अवेयरनेस फैलाना है लोगों को कि भाई यहाँ पे बद्रीनाथ खुला है, लोगों को मालूम ही नहीं है। कुछ कुछ न्यूज़ मैंने यूट्यूब में चैनल सर्च किए लेकिन यूट्यूब में भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। इधर यहाँ पे सब आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पे भगवान का, और अभी एक रूम के अंदर है, बाद में बहुत विशाल होने वाला है। ठीक है, आगे गाइज, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और वीडियो होप सबको पसंद आया होगा और आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पे वसई में बद्रीनाथ का मंदिर बन रहा है और इधर उधर क्या क्या करना है। अभी इन्होंने मुझे यहाँ पे फ्रेम दिया है बद्रीनाथ का कि हम भी से जुड़े रहे। और आपको बता दूँ कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में फ़र्क क्या है, बहुत लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ जो है वो है डेडिकेटेड टू विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु, और जो केदारनाथ है वो है शिव भगवान को, जो लॉर्ड शिवा है उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इसी आप वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और
लास्ट आपको मालूम है क्या करना है, स्माइल करो, खुश रहो। चलो बाय। लोकेशन डाल दो। लोकेशन डाल दो। अरे मैं अपना ब्लॉग करने वाला हूँ। लोकेशन डालना पड़ेगा। हाँ लोकेशन डालना पड़ेगा ना भाई। अरे कहाँ पे घुमाता रहूँगा आपको। अरे लेकिन आपको एग्जैक्ट वो चुनना का समझ गया ना। तो मैं समझ रहा हूँ, वहाँ लेके चलो ना मुझे, फिर मैं समझ अपना लोकेशन चालू कर दूंगा। मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ।